Good. 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 अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शानसे बुशरा खालिद और आप मुझे अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी से मुलाहिजा कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए कि टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, और जहां पे पाकिस्तान की जो सरजमीन है बॉलर्स को प्रोड्यूस करने में हमेशा से रही है, वहां पे अगर बैटर्स की बात कर ली जाए तो बैटर्स भी पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन भी आए हैं और मज़ीद आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि मज़ीद इसी तरह के बैटर्स आएँ और पाकिस्तान क्रिकेट को मज़ीद बेहतर बनाएँ। और आज इसी तरह मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, इससे बात करेंगे एक क्रिकेट का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ और इतनी छोटी उम्र में क्रिकेट में आना, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, आपका नाम क्या है? मैं नाम मूसा राणा। अच्छा, आपका नाम मूसा राणा है, तो आप बताएं कि आपको क्रिकेट का शौक कहाँ से पैदा हुआ? मुझे अपने क्रिकेट का शौक अपने पापा को देख के पैदा हुआ। नहीं तो आप खुद जो फादर हैं क्रिकेट खेलते हैं? जी, अब वो कोचिंग करते हैं मेरी। अच्छा, आपके फादर आपकी कोचिंग करते हैं, तो सिर्फ आपकी ही कोचिंग करते हैं कि कहीं और भी जाते हैं कोचिंग करने? हम किसी और को भी सिखा देते हैं, मेरी भी करते हैं और दूसरों के भी कभी कभी कर लेते हैं। तो आपकी एज क्या, अपनी एज बताएं? मेरी एज 8 साल है। अच्छा, 8 साल है, तो कितना टाइम हो गया आप क्रिकेट में आए हो?
मुझे ये 7 महीने। अच्छा बताएं, आपने बताया कि आपको 7 माह हो गए क्रिकेट पे, तो आपने अब तक क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं? मैंने कट सीख लिया, पुल सीख लिया, ड्राइव सीखी है, फ्लिक। अच्छा, कट शॉट आपने सीखे, पुल सीखे, ड्राइव और बताएं, फ्लिक और स्वीप सीखी है। मतलब आपने जो सारी शॉट से सीख ली हैं, क्या रह गया पीछे? पीछे कुछ भी नहीं, मुझे पापा सारे से शॉट सिखाते हैं, पक्की करते शॉट ताकि मेरी पक्की शॉट हो जाए, फिर मैं सही खेलूं। अच्छा, तो आप बताएं कि आपके फादर आपकी कोचिंग करते हैं, आपकी मामा कुछ कहती नहीं है कि क्रिकेट नहीं खेलनी, पढ़ाई पे ध्यान दो? नहीं, मैं घर में भी पढ़ता हूँ ना, तो मेरी मम्मा नाराज नहीं होती है, मेरी मम्मा खुश होती है ना कि तुम क्रिकेट भी खेल रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, मेरी मम्मा खुश होती है कि तुम दोनों तरफ काम कर रहे हो। तो क्रिकेट में आप किसको फॉलो करते हो, कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? मेरा फेवरेट प्लेयर डेविड मिलन है। अच्छा, तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं है? पाकिस्तान में पहले था। कौन थे? बाबर आजम। तो अब क्यों नहीं है बाबर आजम? अब सही ना खेल नहीं रहे ना, तो फिर मुझे डेविड मिलन पसंद आ गया। तो अगर बाबर आजम दोबारा से ठीक खेलने लग जाए तो फिर बाबर? जी, फिर बाबर आजम को पसंद करने लगेंगे। अच्छा, तो आप ये बताओ कि आपने बताया पढ़ाई भी करते हो, तो कैसे टाइम मैनेज करते हो आप? मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ तो पढ़ाई कर लेता थोड़ी बहुत, जब आता हूँ घर तो फिर मैं खाना खा के थोड़ी बहुत और पढ़ाई कर लेता हूँ। तो सुबह के टाइम मैं आता हूँ 9 बजे 9-10 बजे, तो फिर मैं 9-10 बजे से लेके ये 6 घंटे मैं खेलता रहता हूँ इधर। 6 घंटे प्रैक्टिस करते हो आप? जी। अच्छा, आप इसी अकेडमी में आ रहे हो शुरू दिन से? हाँ जी। तो इस अकेडमी के बारे में बताओ, अब्दुल कादिर क्रिकेट अकेडमी, वो खुद बॉलर थे, लेग स्पिनर थे, तो आपने कभी शौक नहीं पैदा हुआ कि मैं भी लेग स्पिनर बनूं? मैं भी थोड़ी बार लेग स्पिन कर लेता हूँ, स्पिन मुझे पसंद है, लेग स्पिन भी मैं भी कर लेता थोड़ी बहुत। अच्छा, चलो अभी हम आपसे करवाते भी हैं, तो आप ये बताओ कि इस अकेडमी से अभी तक आपने क्या फ़ायदा आपको हासिल हुआ है? बहुत से यहाँ पे भी हम देख रहे हैं बच्चे आते हैं, आपकी एज के भी हैं, तो मैचेस फिर आपको मिलते हैं? जी, मैचेस मुझे मिलते हैं, बड़की पे मिल जाते हैं, और भी दूसरे क्लब के भी बच्चों के साथ मेरे मैच होते हैं, बड़की में ज़्यादा मैच होते हैं ना। तो मैच से क्या सीखते हैं? मैच से सीखते हो कि मुझे अच्छा खेलना चाहिए और अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए बैटिंग पे, और सब कुछ मैं सीख लेता। अच्छा, ये आपने ग्लासेस भी लगाई हैं, तो आप ये बताओ कि खेलते हुए कभी मसला नहीं हुआ कि आई साइड का थोड़ा इशू है तो उसकी वजह से कभी बॉल नज़र ना आया हो? नहीं, मेरी कुछ भी नहीं मसला होता, क्योंकि मेरी नज़र वीक थी ना थोड़ी बहुत, तो ये आने के लिए गा ली, तो फिर अब मेरा सही है, नहीं कुछ होता है। तो हम आने वाले टाइम में आपको देख रहे हैं एक अच्छा प्लेयर बनता हुआ? जी। तो आगे क्या आपके एम है? अंडर 16 भी है, 19 भी है, 13 भी है, तो अभी तो आपकी एज है, आपने बताई है 7? जी, 8 साल। अच्छा, 8 साल है, तो आप चाहते हैं कि आप अंडर 13 में भी खेलें आगे, जितने भी आती हैं इसी तरह के जो इवेंट्स आते हैं? हाँ जी, मैं इसी तरह खेलूँगा, अंडर 13 खेलूँगा, अंडर 16, अंडर 19, ये सब मैं खेलूँगा अगर मैं अच्छा क्रिकेटर बना। अकेडमी में आपका दिल लग जाता है जब आप आते हैं तो? हाँ जी, मेरा दिल तो लग जाता है, मैं इधर बॉडी भी ले लेता हूँ, उधर नॉकिंग करता रहता हूँ सुबह सुबह। तो कोई तंग तो नहीं करता, दोस्त आपके बने हुए हैं? जी, कोई भी नहीं तंग करता, इधर मेरे दोस्त हैं, मैं मज़ा कर अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ इधर, जो मज़ा आता है मुझे। यहाँ के कोचेज के बारे में बताएं, जो बाकी यहाँ पे कोचेज हैं उनका क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये भी अच्छे कोच हैं, ये भी सिखाते हैं बच्चों को, और हम मुझे भी कभी कभी सिखा देते हैं, मेरे पापा को बताते हैं कि ऐसे मुझे करना है, मतलब ये गलतियाँ ये ठीक करवाएं। हाँ जी। अच्छा, तो कोई आप मैसेज देना चाहेंगे, जो आप जितने बच्चे घरों में सिर्फ बैठ के देखते हैं, वो चाहते हैं कि हम ग्राउंड्स में जाके खेलें लेकिन वो आ नहीं पाते, उनको क्या कहेंगे? कहेंगे कि वो अच्छा फॉर्म करेंगे तो वो आएंगे ना, उनको माँ बाप को लगेगा कि ये अच्छा खेल सकते हैं, तो वो माँ बाप कहेंगे कि ये जा सकता। फिर उनके माँ बाप नहीं जाने देते? उनके माँ बाप जाने नहीं देते, तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रखते हैं।
चलिए उनका आपने बयान सुन लिया, उनका मैसेज यही था कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते तो आप पढ़ाई की तरफ रहें बनिस्बत कि आप क्रिकेट में आएँ। लेकिन जितने बच्चे इस चीज़ की मतलब ख्वाहिश रखते हैं, क्रिकेट में आना चाहते हैं, तो आइए ज़रूर, अगर टैलेंट है तो आकर यूटिलाइज़ करें और इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को मज़ीद बेहतर बनाएं। और आपने छोटे बच्चे की जिसकी उम्र 8 साल है उसकी गुफ्तगू जाने की उनके क्या एम है, क्या गोल्स हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट को अगर रिप्रेजेंट भी करना चाहते हैं तो हम उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है दिन ब दिन मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए। और इसी के साथ मुझे आज के इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मैं मूसा राना का फादर हूँ और मूसा राना मेरा बेटा रोज़ाना इधर आता है रेगुलर और आकर इधर प्रैक्टिस करता है। यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, कोच में बड़ी मेहनत करते हैं और माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छा खेलता है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक इंशाल्लाह ताला आगे बड़ी क्रिकेट में आए और अच्छी क्रिकेट खेले। यहाँ पर रेगुलर आकर प्रैक्टिस करता है, बड़ी मेहनत करता है। और मेरा बेटा मूसा राना की उम्र 7 साल है और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह बाबर आजम ने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके वो पाकिस्तान टीम का टीम में शामिल हुआ है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना है, और मैं भी चाहता हूँ कि वो भी इस तरह पाकिस्तान टीम में आए और पाकिस्तान टीम में आकर परफॉर्मेंस दे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए।